सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उन लोगों को कभी न भूलें जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। मनुष्य में सुंदरता की खोट हो तो अच्छे स्वभाव से पूरी की जा सकती है, परंतु अच्छे स्वभाव की खोट सुंदरता से पूरी नहीं की जा सकती। घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं हो सकती। घृणा को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक प्राकृतिक सत्य है। आज का पंचांग 24 फरवरी 2022, दिन गुरुवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 3:04 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र दोपहर 1:31 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:06 से 3:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 24 फरवरी 2022, दिन गुरुवार, कानूनी मुद्दों के कारण आपको विदेश यात्रा करने की जरूरत पड़ सकती है। नई सामाजिक तस्वीरों, फ्रेश दृष्टिकोण और आध्यात्मिक मार्गों का मजा लें। यह सौभाग्य है जब आप खुले विचारों और कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। करियर में बदलाव भी संभव है। आज कोई साझेदारी या सौदा होने की संभावना है। आपका व्यवहार आपको व्यक्तिगत और बढ़ने में मदद कर सकता है। अपनी गलतियों और दूसरों के अनुभवों से सीखने के आपकी क्षमता आपकी खासियत है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आईने में देख लें। आज आप रोजमर्रा की व्यस्तम दिनचर्या से हटकर अधिकतर समय स्वयं के लिए व्यतीत करेंगे। अपने रुचिपूर्ण कार्यों को करने में आपको मानसिक सुकून मिलेगा। आप अपनी चुनौतियों और व्यवहार कुशलता द्वारा किसी समस्या का भी हल निकालने में सक्षम रहेंगे। जिन बातों में अपेक्षा के अनुसार प्रगति नहीं दिख रही है उनके बारे में ज्यादा सोच विचार करने से बचें। फिलहाल की स्थिति में खुद को दोषी ना समझें। किस प्रकार के मार्ग आपके सामने आ रहे हैं उन पर ध्यान देते रहें। काम की जगह लचीलापन दिखाने की आवश्यकता है। नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती है। पार्टनर की भावनाओं को समझना कठिन हो सकता है। सावधानियां, ध्यान रखें कि पैतृक संपत्ति वाद विवाद बढ़ सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। ज्यादा गुस्सा और आवेश में आना उचित नहीं है। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी लचीलापन लाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। साथी आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है और आप उसकी इस भावना की कद्र करते हैं। प्यार में कुछ गुदगुदाते हुए पल चाहिए तो साथी के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा से बढ़कर और क्या हो सकता है। अपने शिक्षक या ट्रेनर के साथ अनबन होगी। रोमांटिक लम्हे बिताने के लिए आज आपके पास सबसे बढ़िया दिन है। आपकी लव लाइफ शांतिपूर्ण है और आपका केयरिंग रवैया आपके साथी का दिल जीत चुका है। आपके लिए परियों की कहानी वाला प्यार सच हो सकता है। बस अपना पूरा ध्यान अपने साथी पर रखें और नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। बात करते हैं करियर की। आपके शिक्षक या मेंटर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। अच्छे भाग्य के साथ साथ अच्छे लोग भी आपके पास हैं। करियर में आए बदलाव से आप प्रसन्न नहीं होंगे। अच्छा आपकी काबिलियत और गुणों के कारण लोग आपको पहचानेंगे। आज काम में साझेदारी या नए डील होने की संभावना है। आप योग्य हैं और इस बात पर आपके आसपास के लोग भी सहमत हैं। यह रवैया आपको मिलनसार होने में मदद करेगा
और नेटवर्किंग आपके पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन को आगे बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। अपनी पुरानी गलतियों से शिक्षा लें और नई चीज़ों को ट्राई करें। बात करते हैं सेहत की। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आलस और सुस्ती हावी रहेगी। अपने ब्लड प्रेशर संबंधित नियमित जांच अवश्य करवाएं। आज का उपाय, आज आप साईं बाबा जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।